एवरीवन, आप लोग को स्वागत है पिंकी कुमारी लाइव ब्लॉग में। तो अभी हम जा रहे थे घूमने के लिए अमृतसर, तो वहाँ पर जलियावाला बाग है, तो सोचे जाके वहाँ से घूम के आए। तो हम और मेरा बेटा और हस्बैंड जा रहे हैं, तो वहाँ पहुँच के आप लोग को भी विजिट कराते हैं जलियावाला बाग को। देख सकते हैं यहाँ से एंट्री है, तो यहाँ पर बना हुआ है पुतला। चित्रा ही है जो शहीद हो चुका है, तो यहीं से एंट्री होता है। तो हम अभी हम पहुंच गए हैं जलियावाला बाग का एंट्री करने, तो यहाँ से चलते हैं अंदर। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम अंदर आ गए हैं, तो यहाँ पर पार्क है, देख सकते हैं पूरा घेरा हुआ, मतलब हरियाली है। देख सकते हैं कितना अच्छा ये जलियावाला बाग है। तो आप लोग कभी भी अमृतसर जाइएगा तो ज़रूर जलियावाला बाग एक बार विजिट कीजिएगा, देखने में बहुत अच्छा है और खूबसूरत भी है, पूरा हरियाली है हरियाली है। तो यहाँ पर जितना भी शहीद हुआ वो सारा कुछ यहाँ पर दिखाया हुआ है, चित्र बना के तो कहीं लिखा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर कुआ आ गया, ये कुआ कुआ है, इसमें बहुत सारा लाश निकला था, 100 कितना करीब निकला था लाश, जो सही हो चुका पता नहीं, वो पूरा रियल पता नहीं है हमको, तो इसमें से इतना पता है कि लाश निकला था। ये देख सकते हैं कुआ है, तो इस गहरा ही है, मतलब पता नहीं चलता है कितना है। इसमें से एक कुआं में से ना बहुत सारा लाश बोला था ना निकला है।
शूट कर रहा मोबाइल से की है खाने पारक पर पर माँ हाँ आजा ये बीच में देख सकते हैं तालाब जैसा बना है लेकिन क्या है वो रियल तो पता नहीं लेकिन चारों साइड से पानी है तो देख सकते हैं एक किला जैसा है बीच में। तो देख सकते हैं जो जो शहीद हुआ है यहाँ पर तस्वीर है तो नाम वगैरह सारा कुछ लिखा हुआ है तो हर एक कमरा में लिखा हुआ है बना हुआ है सारा शहीद का देख सकते हैं यहाँ पर। तो गाइस आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा एक बार। फिर मिलेंगे आप लोग के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।